सबको जय यीशु की जय। यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज फिर एक बार मैं आप सबका इस प्रार्थना में, ऑनलाइन प्रार्थना में आपका स्वागत करता हूं। प्रिय भाई और बहनों, आप सबका स्वागत है। और आज फिर हम एक बार प्रभु के सान्निध्य में, प्रभु की उपस्थिति में आए हैं और प्रभु से आज हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु की हम आराधना करेंगे, उनके वचन को सुनेंगे। क्योंकि प्रभु का वचन हमें बताता है, प्रभु के पास जाएं और वो आपके पास आएगा। तो हम प्रभु के पास आए हैं, प्रभु के पास हम चलें और वो हमारे पास, हमारे परिवारों में, हमारे घर में, हमारी प्रार्थना में आएगा। प्रभु का वचन हमें ये भी बताता है कि तुम अपनी सारी चिंताएं मुझ पर छोड़ दो, तुम चिंता मत करो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। चिंता मत करो, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूँगा। तो हमारा प्रभु हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। वो कहता है अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो। तो हम अपनी आज अपनी सारी चिंताएं, जो हम लेकर के बोझ घूम रहे हैं, जो हम अपनी सारी निराशाएं चिंताएं लेकर के घूम रहे हैं, उसे प्रभु के ऊपर छोड़ दें। और प्रभु का वचन हमें बताता है, तुम अपना सारा बोझ मुझ पर डाल दो और मेरा बोझ ले लो, मेरा जुआ ले लो, क्योंकि मेरा जुआ सहज है, हल्का है। तो प्रिय भाई, मेरी बहन, तो हम अपना सारा बोझ जो हम उठा करके घूम रहे हैं, जो हमारे प्रभु ने, हमारे ईश्वर ने कहा मुझ पर डाल दो, तो हम क्यों लेकर के घूमें, प्रभु के ऊपर डाल दें और वो हमें उससे उद्धार देगा, छुटकारा देगा। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने हृदय को, अपने मन को तैयार करें, प्रभु के हाथों में दें अपने जीवन को, अपने सोच, अपने विचार, मन, शरीर, आत्मा, प्राण को अधिकार में दें और प्रभु से कहें, प्रभु ये एक घंटा, जितना भी समय प्रभु मैं तेरे साथ बैठूं, तेरी उपस्थिति से मुझे भर दे, मेरा मन, मेरा ध्यान प्रार्थना में लगाना, दिल की गहराई से, आत्मा और सच्चाई से मैं तेरी आराधना कर सकूं। क्योंकि तेरा वचन हमें बताता है, मुझे ऐसे आराधक पसंद हैं जो आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना करते हैं। तो प्रभु मुझे आत्मा से और सच्चाई से तेरी आराधना करने की कृपा दीजिए। प्रिय भाई और बहनों, कई लोगों ने आप में से प्रार्थना मांगी है, हम उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे और मैं आपके लिए भी, आपकी ज़रूरतों के लिए भी, आपकी आवश्यकताओं के लिए भी प्रार्थना करूँगा। प्रिय भाई और बहनों, आइए इस समय हम कुछ देर प्रभु की लगातार स्तुति करेंगे और लीन हो जाएंगे, आंखें बंद करते हुए, हाथों को जोड़ते हुए, हाथों को फैलाते हुए, घुटने में आकर ताली बजाते हुए, जैसे आपको लगे प्रभु के प्रति आदर सम्मान देते हुए वैसे, और आवाज़ को बुलंद करते हुए हम गीत में शामिल हो जाएंगे। जोर जोर से गीत गाएंगे, तालियां बजाएंगे और स्तुति करेंगे, प्रभु को पुकारेंगे और प्रभु का आत्मा आप पर उतर आएगा और आपका जीवन बदल जाएगा। तो आइए इस समय हम प्रार्थना में जाएं। प्रभु आपका ईश्वर आपसे कहता है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा, और तुझको विश्राम दूंगा, और तुझको चिंता न करो, भय न खाओ, हाथ पकड़ तुझे मैं चलाऊंगा। प्रभु कहता है चिंता मत करो, प्रभु हाथ पकड़ कर हमें चलाएगा, चिंता ना
पकड़ तुम्हें मैं चलाऊंगा, समंदर तेरे लिए रास्ता खोलेगा, शैतान की सारी सेना नाश हो जाएगी, शैतान की सारी सेना नाश हो जाएगी। मिलके गाएं, लाल समंदर तेरे लिए रास्ता खोलेगा, शैतान की सारी सेना नाश हो जाएगी, यरदन नदी भी हटकर बहेगी, यरदन नदी भी हटकर बहेगी, फाटक तुम्हें स्वागत करेगा, जीवन का फाटक तुम्हें स्वागत करेगा, जीवन का फाटक तुम्हें स्वागत करेगा, तेरी रक्षा करेंगे, तेरे के निकट कोई दुख ना आएगा, तेरे के निकट कोई दुख ना आएगा, मार्गों में दूत तेरी रक्षा करेंगे, मार्गों में दूत तेरी रक्षा करेंगे, पैरों में पत्थर से ठेस ना लगेगी, पैरों में पत्थर से ठेस ना लगेगी, स्वर्ग दूत हाथों प्रभु हमें एक दिन अपने स्वर्ग राज में हमें उठाकर बादलों में ले जाएगा। चिंता ना करो, भय ना खाओ, हाथ पकड़ तुम्हें मैं चलाऊंगा।
तुझको विश्राम दूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। बहेगी जीवन का फाटक तुम्हें स्वागत करे
बंदा फाटक तुम्हें स्वागत करेगा। तुझको विश्राम दूंगा और तुझको विश्राम दूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। तेरे के निकट कोई दुख ना आएगा, तेरे के निकट कोई दुख ना आएगा, तेरे निकट कोई दुख ना आएगा, तेरे निकट कोई दुख नहीं आएगा, कोई दुख ना आएगा। घर के निकट कोई दुख ना आएगा, घर के निकट कोई दुख ना आएगा, तेरे निकट कोई दुख ना आएगा, तेरे निकट कोई दुख ना आएगा। मार्गों में दूत तेरी रक्षा करेंगे, मार्गों में दूत तेरी रक्षा करेंगे, मार्गों में दूत आज रक्षा करेंगे, मार्गों में दूत तेरी रक्षा करेंगे। पैरों में पत्थर से ठेस न लगेगी, पैरों में पत्थर से ठेस न लगेगी, स्वर्ग दूत हाथों पे उठा ले जाएगा, स्वर्ग दूत हाथों पे उठा ले जाएगा। पानी भी मीठा लगेगा, यरीहो की शहर पना गिर जाएगी, यरीहो की शहर पना गिर जाएगी, यरीहो की शहर पना गिर जाएगी, यरीहो की शहर पना गिर जाएगी। सूर्य चंद्रमा की गति थम जाएगी, सूर्य चंद्रमा की गति थम जाएगी, सूर्य चंद्रमा की गति थम जाएगी, सूर्य चंद्रमा की गति थम जाएगी। जीवन की ज्योति तुम्हें ले जाएगी, जीवन की ज्योति तुम्हें ले जाएगी, जीवन की ज्योति तुम्हें ले जाएगी, जीवन की ज्योति तुम्हें ले जाएगी। तुम्हें मैं चलाएगा, चिंता ना करो, भय ना
पकड़ तुम्हें मैं चलाऊंगा, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा, तुझको विश्राम दूंगा, आज तुझको विश्राम दूंगा, आज तुझको विश्राम दूंगा, आज तुझको विश्राम दूंगा, आज तुझको विश्राम दूंगा, मैं तेरे आगे आ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा, मैं तेरे आगे आ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा, तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा, तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा, तेरे आगे आप चलूंगा, दिल की गहराई से विश्राम दूंगा, प्रार्थना करते हुए चलूंगा और तुझको विश्राम, अपनी सारी चिंताएं उसके ऊपर डालते हुए तुझको विश्राम दूंगा, अपना सारा बोझ उस पर डाल दे, हाथ पकड़ तुम्हें मैं चलाऊंगा, आगे आ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा, आगे आ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा, मेरे
आ जा, मुझे तेरी जरूरत है प्रभु। मेरे भाई मेरी बहन प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे तेरी जरूरत है। आंखों को बंद रखें, दिल की गहराई से उस प्रभु को अपने हृदय में स्वागत करें, अपने परिवार में उनका स्वागत करें, अपनी दुख और तकलीफ में, अपनी बीमारी, अपनी समस्या में यीशु का स्वागत करें। यीशु से कहें, यीशु आपका स्वागत है मेरे घर में। जैसे जकियूस ने अपने घर में यीशु का स्वागत किया और यीशु उसके साथ उसके घर गए और प्रभु उससे कहते हैं, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, यानी कि मुक्ति दाता स्वयं उसके घर में चल करके गए और प्रभु कहते हैं, इस घर में आज मुक्ति का आगमन हुआ है। प्रभु भी आज आपके घर में आना चाहते हैं और वो आपसे भी कहना चाहते हैं, मेरे बेटे मेरी बेटी, आज तेरे घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, मुक्ति तेरे घर में आई है, मुक्ति तेरे घर में आई है। उस मुक्ति को, उस मुक्ति दाता को बुलाइए, उस मुक्ति दाता का स्वागत कीजिए। कहिए, प्रभु मेरे मुक्ति दाता, मेरे सृजनहार, मुझे बनाने वाले, मुझे प्यार करने वाले यीशु, मेरी देख और रेख करने वाले प्रभु, मेरी चिंता करने वाले प्रभु, मुझे आशीर्वाद देने वाले प्रभु, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में, मेरे दिल में आपका स्वागत करता हूँ। आइए यीशु, मुझे आपकी ज़रूरत है, मुझे आपकी ज़रूरत है, मैं आपके बिना अकेला हूँ, मुझे अकेलापन महसूस होता है, ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे साथ नहीं है, कोई मेरे साथ नहीं खड़ा है। जीवन की राहों मर, जीवन कर
जीवन के हर एक संकट में, जीवन की हर एक मोड़ पर मुझे ऐसा नजर आता है जैसे सब ने मुझे त्याग दिया, छोड़ दिया। लेकिन प्रभु तेरा वादा है, तूने तो वादा किया है, भले ही माँ एक दूध मुहे बच्चे को भले ही भूल जाए, जो छोटा बच्चा है, दूध मुंह बच्चा है, भले ही माँ उसको छोड़ दे, भूल जाए, त्याग दे, लेकिन उस यीशु का वादा है, वो प्रभु आपसे कहता है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा मेरे भाई, मेरी बहन। यीशु ने कहा, एक माँ अपने बच्चे को भूल जाए तो भले ही भूल जाए, लेकिन मैंने तेरा नाम अपनी हथेलियों में अंकित किया है। उस यीशु ने आपके नाम को आपने हाथों में खोदा है, उसने आपको अपने प्रतिरूप बनाया है, उसने आपको अपने स्वरूप बनाया है। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी नहीं त्यागेगा, वो आपके साथ रहेगा, वो आपके साथ चलेगा। प्रभु कहता है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। मेरे भाई, मेरी बहन, वो आपके आगे आगे चलेगा और आपको विश्राम देगा, उन बातों से विश्राम देगा जिनसे आप थक चुके हैं, जिससे आप परेशान हो चुके हैं, जिससे आप आपको लगता है कि अब ये परेशानी, अब ये दुख, अब ये बीमारी, अब ये समस्या नहीं जाएगी, कैसे होगा। लेकिन प्रभु आपसे आज कहता है, प्रभु का संदेश, प्रभु का वचन आज आपसे कहता है, मैं तेरे साथ रहूंगा। यदि तू आग भी पार करेगा तो उसकी ज्वालाएं तुझे भस्म नहीं करेंगी, यदि तू समुद्र पार करेगा तो उसकी जल धाराएं तुझे डुबा कर नहीं ले जाएंगी, क्योंकि मैं उस समय तेरे साथ रहूंगा। और वो आपके साथ जब होगा, आपको कोई घिरा नहीं पाएगा। जब वो आपके साथ होगा, आप बड़े बड़े कार्य, बड़े बड़े काम कर पाओगे। यदि प्रभु का वचन हम देखें, निर्गमन ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि जब इसराइलियों को प्रभु मिस्र की गुलामी से छुड़ा करके ले आ रहे थे, तब क्या हुआ? बार बार फिराउन ने उनका पीछा किया, उन्हें जाने नहीं दिया, लेकिन ईश्वर ने उनसे वादा किया, प्रभु ने उनसे वादा किया कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। यदि वादा नहीं किया होता, यदि उससे अपनी प्रजा से प्यार नहीं होता, उसे अपने लोगों से, अपने चुने हुए लोगों से प्यार नहीं होता, तो वो मूसा को नहीं चुनते। उन्होंने मूसा को चुना और उनसे कहा कि मेरी प्रजा को मिस्र की गुलामी से, फिराउन की गुलामी से निकाल करके लेके आ। और प्रभु मूसा जाते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं उस जनता के लिए, और उसे बाहर निकाल करके लेके आते हैं। जब वो रास्ते में आते हैं, तब एक विशाल समुद्र रास्ते में उनको पड़ता है और फिराउन की सेना उनका पीछा कर रही है। मेरे भाई, मेरी बहन, जरा विचार करें, गौर करें प्रभु के वचन पर, गहराई से समझने की कोशिश करें। फिराउन की सेना उनका पीछा कर रही है, वो भाग रहे हैं, जाने की कोशिश कर रहे हैं उस गुलामी से, उस संकट से, उस समस्या से, दुख से निकलने के लिए, कि हम आज़ाद हो जाएं, स्वतंत्र हो जाएं। और जब वो जाते हैं, उन्हें समुद्र दिखाई देता है। अब वो दे सोचते हैं, हम अब क्या करेंगे, फिर से हम फिराउन की गुलामी में चले जाएंगे, फिर से हम दास्ता में चले जाएंगे, फिर से हम उसके गुलाम बन जाएंगे। लेकिन प्रभु कहते हैं, प्रभु जब हमारे साथ हैं, उसने वादा किया कि जब तुम समुद्र पार करोगे, उसकी जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी। और प्रभु ने क्या किया, प्रभु का वचन बताता है, हमने गीत में भी गाया, लाल समुद्र तेरे लिए रास्ता खोलेगा। जब ईश्वर हमारे साथ होगा तो बड़े बड़े कार्य हमारे साथ हो जाएंगे। मेरे भाई, मेरी बहन, ईश्वर उनके साथ था, मूसा के साथ था, उसका वादा है, मैं तेरे साथ रहूंगा, वो प्रभु उनके साथ था। और प्रभु ने उसे आदेश दिया कि अपनी छड़ को जो उसके हाथ में थी, समुद्र में मार। और उसने जब उस छड़ को मारा, क्या हुआ, हम सब जानते हैं। प्रभु का वचन हमें बताता है कि समुद्र ने रास्ता दे दिया, समुद्र दो भागों में, असंभव बात, असंभव बात, इंसान की सोच और परे, कल्पना के परे, और प्रभु के लिए सब कुछ संभव। आज हमारे जीवन में भी, जब हम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं, हमारे जीवन में जब हम बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, हमारे जीवन में भी बहुत सारे समुद्र जैसी बातें आकर के खड़ी हो जाती हैं,
संकट आकर के खड़े हो जाते हैं, दुख आकर के खड़े हो जाते हैं, तब हमें लगता है अब रास्ता बंद हो गया, अब रास्ता नहीं खुलेगा, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन प्रभु सब कुछ करने में सामर्थ्य है। जो बातें मनुष्य के लिए असंभव है, मेरे भाई आपके लिए असंभव है, आपको लगता है ऐसा नहीं होगा, लेकिन आपकी सोच के परे प्रभु कार्य करता है। जब आप जहाँ तक आप नहीं सोचते, हम मनुष्य हैं, हम इंसान हैं, हमारी क्षमता कम है, हमारा विचार हमारी सोच कम है, लेकिन प्रभु उससे कहीं गुना आगे सोचता है। और प्रभु कहता है कि मैं तेरे साथ रहकर तुझे उस परिस्थिति से निकालूंगा। इसराइलियों ने भी यही सोचा, लेकिन प्रभु ने उनके लिए रास्ता खोला, मार्ग खोला, और वो उस गुलामी से निकल करके बाहर आए, उस परिस्थिति से निकल के बाहर आए। आज प्रभु आपको भी आपकी परिस्थिति से, आपके दुख से, आपकी समस्या से, आपके बोझ से, आपके कर्ज से, आपकी बीमारी से, आपके शराब के नशे से, उन बातों से जो आपके सामने दीवार बनकर खड़ी हैं, समुद्र बनकर के खड़ी हैं, प्रभु आज उनके उनसे निकलने के लिए आपके लिए मार्ग खोलेगा, रास्ता खोलेगा, आपको बाहर निकाल लेगा। ये उस प्रभु का वादा है। मेरे भाई मेरी बहन, आगे आगे प्रभु के हमने गीत में गाया, जीवन का फाटक तुम्हें स्वागत करेगा। एक दिन प्रभु हमें अपने यहाँ स्वागत करेगा, अपने यहाँ में ले जाएगा। उसने कहा है कि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहोगे। जब प्रभु स्वर्ग में आरोहित कर लिए जा रहे थे, तब उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ और एक दिन आऊँगा और तुम्हें भी ले जाऊँगा। मैं जगह का प्रबंध करने जा रहा हूँ, जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहोगे, मैं फिर आऊँगा और तुम्हें ले जाऊँगा। मेरे भाई मेरी बहन, यीशु आएगा, बादलों में आएगा और हमें ले जाएगा अपने उस जगह में जहाँ अनंत सुख है, जहाँ पर हमेशा स्वर्ग दूतों की संगति में रहकर हम प्रभु की स्तुति कर पाएंगे, उस आनंद को हम ले पाएंगे, स्वर्ग का आनंद। और प्रभु कहता है जीवन का फाटक तुम्हें स्वागत करेगा। एक दिन यीशु उस स्वर्ग के द्वार पर खड़े होकर के कहेगा, बेटा मेरी बेटी, आपका नाम लेकर के बुलाएगा, आपसे कहेगा आ जाओ, आपका स्वागत है। जब आप प्रभु का स्वागत करोगे, वो आपके दिल में आ जाएगा, आपके परिवार में आ जाएगा, आपके घर में आ जाएगा, तब यीशु आपसे भी कहेगा, बेटा आपका भी स्वागत है, तुमने मुझे बुलाया, अपने यहाँ ठहराया, तुमने मुझे खाने के लिए भोजन दिया, तुमने मुझे पहनने के लिए कपड़े दिए, तुमने मुझे, मैं प्यासा था। यदि प्रभु का वचन हम पढ़ते हैं, मत्ती के सुसमाचार में लिखा हुआ है, प्रभु कहता है जब मैं भूखा था तुमने मुझे खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पिलाया, जब मैं परदेसी था तुमने मुझे यहाँ अपने यहाँ ठहराया, जब मैं बीमार था तुमने मेरी सेवा की, जब मैं बंदी गृह में था तुम मुझसे मिलने आए। प्रभु कहेगा तुमने जो कुछ भी किया, इन छोटे से छोटे किसी एक के लिए तुमने किया, वो तुमने मेरे लिए किया। मेरे भाई मेरी बहन, जब एक दिन हमारा न्याय होगा, हमारा न्याय इन बातों पर निर्भर नहीं होगा, हमने कितना गीत गाया, कितना बजाया, कितने नाचे, कितनी खुशियाँ मनाई, लेकिन प्रभु का वचन बताता है हमने कितना दूसरों के लिए मदद की, दूसरों की हमने कितनी सहायता की, कितना प्रभु के लिए हमने किया। प्रभु कहता है इन छोटे से छोटे बालकों के लिए जो कुछ तुमने किया, तुमने मेरे लिए किया। और प्रभु का वचन आगे बताता है, प्रभु कहेगा तुम सब मेरे स्वर्ग राज के अधिकारी हो। प्रभु आपको स्वर्ग राज में बुलाएगा। प्रभु का वचन हमें बताता है कि तेरे दाएं और तेरी बाएं हजारों लाखों ढेर हो जाएंगे, किंतु तुझे कुछ भी नहीं होगा। हमने गाया डेरे के निकट कोई दुख नहीं आएगा, मार्गों में दूत तेरी रक्षा करेंगे, पैरों में पत्थर से ठेस न लगेगी, स्वर्ग दूत हाथों में उठा ले जाएंगे। मेरे भाई मेरी बहन, डेरे के निकट यानी कि हमारे घर के निकट, जहां हम रहते हैं, जहां हम कार्य करते हैं, प्रभु का वचन कहता है तेरे घर के निकट कोई दुख नहीं आएगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तूने मुझे अपना शरण स्थान माना है, तूने मुझे अपना सुदृढ़ गण माना है, तूने सब कुछ मेरे हाथ में दे दिया है। जब मैं तेरे साथ हूँ तो तेरे घर के निकट कोई दुख आ ही नहीं सकता।
और प्रभु कहता है मार्ग में जहाँ कहीं तू जाएगा, प्रभु का वचन स्रोत ग्रंथ अध्याय 91 और स्रोत ग्रंथ 121 में प्रभु का वचन कहता है, तुम जहाँ कहीं भी जाओगे मैं तुम्हारी आत्मा की रक्षा करूँगा और अपने दूतों को भेजूँगा कि वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लें जिससे कि तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। वो अपने दूतों को आदेश देगा, वो भेजेगा अपने दूतों को हमारे मार्ग में हमारी रक्षा करने के लिए, हमारे जीवन की हर एक परिस्थिति में हमारी रक्षा करने के लिए। जब हम संकटों से होकर के गुजरेंगे उस समय प्रभु अपने दूतों को भेजेगा, वो स्वयं चल के आएगा, जैसे वो दानियल के लिए आया, दानियल के लिए आया जब उसको शेरों की मान में डाला गया। मेरे भाई मेरी बहन, उसने स्वर्ग दूत को भेजकर, अपने दूत को भेजकर उन सिंहों के मुंह को बंद कर दिया और दानियल को अपने हाथों में उठा लिया। प्रभु का वचन वहां पर उसने पूरा किया कि मैं अपने दूत को भेजूंगा और वो तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे जिससे कि तुम्हारे पैरों को चोट न लगे। आज प्रभु आपको भी अपने हाथों में उठाएगा, अपने हाथों में उठा लेगा। आपको निराश होने की, आपको विचलित होने की, आपको भयभीत होने की, आपको डगमगाने की, आपको डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु का वचन कहता है, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा ईश्वर हूँ, मैं तुझे शक्ति प्रदान कर तेरी सहायता करूँगा। प्रभु आपकी सहायता करेगा और प्रभु का वचन बताता, मैं तुझे अपने दाहिने हाथ से संभालूंगा, मैं तेरी उंगली पकड़ के चलाऊंगा, मैं तुझे अपने विजय दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। चिंता मत कर, मत डर, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, प्रभु कहता है। प्रभु का वचन हमें बताता है आगे, जब इसराइलियों को प्रभु मिस्र की गुलामी से लेकर आ रहे थे, तब एक मारा नाम की एक जगह वहाँ पर है, वहाँ पर पड़ी रास्ते में, और जब उन्हें प्यास लगी, जब उन्होंने वहाँ का पानी पिया तो कड़वा लगा, लेकिन प्रभु का वचन कहता है, जब मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ रहूँगा, जब प्रभु हमारे साथ रहेगा बड़े बड़े कार्य होंगे। वहाँ पर क्या हुआ, मारा का पानी भी मीठा लगेगा, हमने गीत में गाया, और प्रभु ने उस पानी को अपनी जनता के लिए, जो कड़वा पानी था, उस पानी को अपने लोगों के लिए पीने योग्य बना दिया, मीठा बना दिया। इसीलिए हमने गीत में गाया, मारा का पानी भी मीठा लगेगा, यही रो की शहर पना गिर जाएगी, वो जो दीवार, यही रो की दीवार स्तुति करने के कारण सात बार उसकी चारों ओर परिक्रमा की। प्रभु ने कहा, इस दीवार के चारों ओर, यहरो की दीवार के चारों ओर चक्कर लगाते हुए प्रभु की स्तुति करना, प्रार्थना करते जाना, और उस दीवार के चारों ओर उन्होंने सात चक्कर लगाए, और प्रभु ने कहा, जब लास्ट चक्कर होगा, जोर से एक आवाज में, एक मन एक हृदय होकर, आत्मा से भरकर बुलंद आवाज में प्रभु की स्तुति करना और ये दीवार गिर जाएगी। और मेरे प्रिय भाई और बहन, यहीरो की दीवार की परिक्रमा करते हुए लास्ट चक्कर जब उन्होंने लगाया, एक आवाज में, बुलंद आवाज में प्रभु की स्तुति करी और वो दीवार गिर गई। आज आपके सामने भी बहुत सारी बातें दीवार बनकर के खड़ी हैं। आज प्रभु की स्तुति आप कीजिए, प्रभु की आराधना कीजिए, प्रभु की महिमा कीजिए, प्रभु को पुकारिए, बुलंद आवाज में पुकारिए, और आपके जीवन की सारी दीवारें, बंद रास्ते यहीरो की दीवार के समान ढह जाएंगी, गिर जाएंगी, टूट जाएंगी। प्रभु ने कहा है, अब तुम्हारे सामने कोई भी फाटक बंद नहीं रहेगा, उबड़ खाबड़ स्थानों को मैं समतल बनाऊंगा, लोहे की अड़गड़ाएं तोड़ डालूंगा और कांसे के फाटकों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। साइस नबी के ग्रंथ अध्याय 43 में प्रभु कहता है, मैं उबड़ खाबड़ स्थानों को समतल बनाऊंगा और लोहे की अड़गड़ाएं, कांसे के फाटकों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आपके सामने जो बन करके कांसे के फाटक, लोहे की अड़गड़ाएं, जो आप, जो भी बंधन है आपको लगता है ये नहीं होगा, प्रभु कहता तोड़ डालूंगा। आज प्रभु तोड़ देगा, आज टूट जाएगा, खुल जाएगा, बंद दरवाजा खुलेगा प्रभु के नाम पर, और जीवन की ज्योति तुम्हें ले जाएगी और प्रभु ले जाएगा, प्रभु हमारे साथ रहेगा, ये प्रभु का वादा है। तो मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु के वचन को हमने सुना और हमने प्रभु की स्तुति की, आज प्रभु उसका प्रतिफल आपको देगा, आज प्रभु प्रतिफल देगा। आइए हम इस समय हाथों को जोड़ें, आँखों को बंद करें, यदि आप घुटने में आना चाहते हैं घुटने में आ जाएं, यदि आप बैठना चाहते हैं बैठ जाएं, जैसे मन करे वैसे प्रार्थना में जुट जाएं। इस समय प्रार्थना में हम जाएंगे।
आंखें बंद करें, दोनों हाथों को जोड़ें, पूरा ध्यान उस प्रभु की ओर लगाएं, अपना मन प्रभु की ओर लगाएं, अपनी परिस्थिति प्रभु को दें, प्रभु से कहें तूने वादा किया मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, प्रभु तू मेरे आगे आगे चलना, प्रभु तूने कहा मैं तेरा हाथ पकड़ के चलाऊंगा, प्रभु मेरा हाथ पकड़ के चलाना, प्रभु तेरा वचन कहता है तुम चिंता ना करो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु जब तू मेरे साथ है, जब तू मेरे साथ खड़ा है, तो मुझे चिंता करने की, मुझे डरने की क्या जरूरत है। मेरे भाई मेरी बहन, जब आपका प्रभु आपके साथ खड़ा है, जब आपका प्रभु आपके साथ चलता है, तो आपको चिंता करने की डरने की क्या जरूरत है। वो चाहता है कि जैसे यहीरो की दीवार स्तुति करने के कारण, प्रभु को बुलंद आवाज में पुकारने के कारण ढह गई, गिर गई, वो चाहता है कि आप भी उसी आवाज में उसे पुकारें, दिल की गहराई से उसे पुकारें, उसकी स्तुति करें। जब आप प्रभु की स्तुति करेंगे मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु को पुकारेंगे, वो दीवारें वो अड़गड़ाएं कांसे के फाटक टूट जाएंगे, वो दीवार ढह जाएगी, गिर जाएगी, सारे बंधन खुल जाएंगे। बस प्रभु के लिए मुंह खोलिए। प्रभु का वचन कहता है तुम अपना मुंह पूरा पूरा खोलो, मैं उससे भर दूंगा। आज प्रभु आपके मुंह को भर देगा, आशीषों से भर देगा। मुंह खोलिए, उसकी स्तुति कीजिए, उसकी आराधना कीजिए, उसे पुकारिए, कहिए यीशु आइए, मेरे साथ रहिए, जैसे आप मूसा के साथ रहे मेरे साथ रहिए प्रभु, जैसे आप दानियल के साथ रहे मेरे साथ रहिए प्रभु, जैसे आप हिजकिय्याह के नबी इसाईस के साथ रहे प्रभु मेरे साथ भी रहिए, जैसे आप सैमसोन के साथ रहे मेरे साथ रहिए प्रभु, जैसे आप पौलुस के साथ रहे मेरे साथ भी रहिए। तेरा वादा है मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरे साथ चलूंगा, वो प्रभु हमारे साथ रहेगा। प्रभु तूने कहा तेरे दाएं और बाएं हजारों लाखों ढेर हो जाएंगे, किंतु तुझे कुछ नहीं देगा, तुझे कुछ नहीं होगा, ओ प्रभु हमें कुछ नहीं होने देगा। प्रभु मेरे घर के निकट आ जाइए, मेरे घर के चारों ओर प्रभु अपने स्वर्गदूतों का बाड़ा लगा दीजिए। ओ प्रभु इस समय मेरे इन भाई और बहनों के परिवार के चारों ओर स्वर्गदूतों का बाड़ा लगाइए प्रभु, तेरा अभिषेक कीजिए प्रभु, इनके जीवन से प्रभु यहीरो की दीवार जैसी बातें जो हैं वो ढह दीजिए, तोड़ दीजिए, लोहे की अड़गड़ाएं तोड़ दे। इस समय मेरे भाई मेरी बहन प्रभु को पुकारें। मेरे प्रेमी स्वर्गीय पिता, इस समय जो भाई बहन प्रार्थना में जुड़े हैं, प्रार्थना देख रहे हैं, प्रभु इन्हें अभिषेक दे प्रभु, इनकी दीवारों को ढह दे प्रभु, इनके बंद दरवाजों को खोल दे प्रभु, लोहे की अड़गड़ाएं तोड़ डाल प्रभु, इन्हें अभिषेक दे, अभिषेक दे। तू इनके साथ रहे, इनके साथ चल, तेरा वादा है, तू इनका हाथ पकड़ के चला। जो इनके डर है, जो इनका भय है, जो इनकी चिंता है, निराशा है, प्रभु उस डर भय और चिंता निराशा की आत्मा को निकाल दे यीशु प्रभु के नाम पर। मैं उन सभी बुराई की आत्मा को डांटता हूँ इसी समय, इन भाइयों के इन बहनों के जीवन को छोड़ करके जाए, हटो यीशु के नाम पर। मैं आदेश देता हूँ हट जाओ, इन्हें छोड़ करके जाओ, ये यीशु के हैं। पुकारिए मेरे भाई प्रभु। जितने भी लोगों के पास अपना घर नहीं है उन्हें घर की आशीष दे, जिनके पास संतान नहीं है संतान का वरदान दे, ओ प्रभु दया कर। जिनके पास नौकरियां नहीं है प्रभु उन्हें नौकरी की आशीष दे, प्रभु नौकरी की आशीष दे, जिनके पास संतान नहीं है संतान का वरदान दे, दया कर यीशु, दया कर, दया कर प्रभु, दया कर, दया कर, दया कर। बीमारों को चंगाई दे, बीमारों को स्वस्थ कर यीशु प्रभु के नाम पर, चंगे हो जाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए, हमारे बीच में आने के लिए प्रभु, मेरे इन भाई और बहनों को छूने के लिए जो इस समय प्रार्थना में जुड़े हैं प्रभु, प्रार्थना देख रहे हैं, तुझे पुकार रहे हैं, विनती कर रहे हैं, अपनी मन्नतें प्रभु तेरे सामने रख रहे हैं, दया कर इन्हें छू प्रभु, इन्हें आशीषवाद दे, आशीष दे प्रभु, आशीर्वाद दे प्रभु, दुगुना आशीर्वाद। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु। जो कुछ हमने प्रार्थना में मांगा है, विश्वास करते हैं आपने सुन लिया है, आप उसे दे देंगे। थैंक यू जीसस प्रभु, सारी महिमा सारा आदर आपको देते हैं, और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु प्रभु के नाम पर मांगते हैं, बोले आमीन 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 आमीन। मेरे प्रिय भाई मेरी बहन, प्रभु का वादा है आपके लिए, आज प्रभु का संदेश है यही कि मैं तुम्हें अपने विजय दाहिने हाथ से संभालूंगा, तुम डरो मत, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूँगा। वो प्रभु आपके
जीवन की हर एक राह पर, जीवन की हर एक परिस्थिति में वो आपके आगे आगे चलेगा। आप उसे जगह दीजिए, आप उसे पहला स्थान दीजिए, आप उसे पुकारिए। ये उसका वादा है, उसने यदि कहा है तो वो पूरा भी करेगा। ऐसा नहीं है कि उसने कहा मैं तुम्हारे आगे आगे चलूँगा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़ के तुम्हें चलाऊँगा। सिर्फ कहा, वो करेगा। कब करेगा? जब आप उसे अपने जीवन में स्थान देंगे, जगह देंगे, उसे बुलाएंगे, वो आएगा। जगह देंगे, वो ठहरेगा और आपके साथ रहकर चलेगा। मूसा के साथ जैसे रहा, आपके साथ रहेगा, उसका वादा है। प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ इस प्रार्थना में जुड़ने के लिए। इस प्रार्थना को प्रतिदिन दूसरे लोगों तक आप लोग भेजते हैं और आप सबको धन्यवाद। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, अधिक से अधिक लोगों को और आप भेजिए प्रार्थना में जुड़ने के लिए, बोलिए। और जिनको आप ये प्रार्थना भेजते हैं उनसे कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि प्रार्थना का लिंक उनको मिल जाए। और आपने भी यदि सब्सक्राइब नहीं किया, जो आप देख रहे हैं वहाँ पर रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा है, आप उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। और प्रिय भाई और बहनों, ये प्रार्थना प्रतिदिन रात 8:30 आती है। रात 8:30 हमारे यूट्यूब चैनल पैट्रिक म्यूज़िक ऑफिशियल में, आप यूट्यूब में जाकर सर्च कर सकते हैं, खोज सकते हैं और वहाँ जाकर हमारा प्रार्थना वहाँ मिल जाएगी। आप उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, 8:30 आपको लिंक मिल जाएगा। प्रिय भाई और बहनों, यदि आप में से जो लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं, आप अपने प्रार्थना निवेदन हमें भेज सकते हैं। हमारा परिवार आपके लिए प्रतिदिन प्रार्थना करेगा। और जो आपके निवेदन आपने भेजे उनके लिए हम डेली प्रार्थना कर रहे हैं, ऑनलाइन में भी और हमारी पर्सनल प्रार्थना में भी आपके लिए प्रार्थना करते हैं और करते रहेंगे। यदि आप अपनी गवाहियाँ भी भेजना चाहते हैं इस प्रार्थना को देखने के द्वारा, प्रार्थना कराने के द्वारा जो आशीष आपको मिली है दूसरों के विश्वास के लिए, प्रभु का साक्ष्य बनने के लिए, गवाही को भेजें। और हमारा नंबर है 8279997397। इस नंबर में अपनी गवाही और प्रार्थना निवेदन आप भेज सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। और जब आपके निवेदन प्रार्थना भेजते हैं, पूरा भेजें, आपका नाम, आप कहाँ से हैं और क्या आपका प्रार्थना का निवेदन है और क्या आपका साक्ष्य है। और यदि आप में से जो लोग कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ सलाह मशवरा लेना चाहते हैं या कोई अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। और नंबर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, और जो लाइन चल के आती है नीचे, वहाँ पर हमारा चैनल का नाम और प्रार्थना निवेदन वहाँ पर दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु में बने रहें, प्रभु में जुड़े रहें। आप हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए भी प्रार्थना करते रहें और हमारी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करते रहें। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष प्रदान करें। कल फिर हम मिलेंगे 8:30 इसी समय, 8:30। तैयार रहिए प्रभु के साथ जुड़ने के लिए, प्रभु आपको आशीष देंगे। गॉड ब्लेस यू।